मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि आपने मुझे प्रश्न पूछने का अवसर दिया। मेरा प्रश्न हमारे स्वास्थ्य विभाग के मंत्री जी से है कि गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों के लिए सरकार के द्वारा क्या योजनाएं बनाई गई हैं उसके रोकथाम के लिए, हमारे गरीब जनता की मदद के लिए। अध्यक्ष जी, बड़ा ही निराशापूर्ण जवाब आया है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जब जब सत्र में पिछले ढाई वर्षों में आपके विभाग के द्वारा जब भी प्रश्न पूछे गए हैं तो आपका एक सेम आंसर है कि हमने इतने जिला अस्पताल, इतने मेडिकल कॉलेज, इतनी डायलिसिस की मशीन, इतने एम्बुलेंस। अध्यक्ष जी, मेरा बड़ा ही स्पष्ट सा सवाल था और अगर आपने ये बताया है कि आपके इतने जिला अस्पताल, इतने मेडिकल कॉलेजेस हैं, तो मैं इस सदन के माध्यम से जौनपुर से जो हमारा मेडिकल कॉलेज है उसकी कुछ पिक्चर है वो आपको दिखाना चाहूँगी कि जहाँ पे काला पानी तैर रहा है, जो बिल्डिंग्स हैं वो बनने से पहले खंडहर हो चुकी हैं, ये स्थिति है। और आप इसे गिना करके जवाब देना चाहते हैं कि आप अपने विभाग में क्या कार्य कर रहे हैं। मैं ये टेबल कर दूंगी अध्यक्ष जी, ताकि ये मंत्री जी के पास जो असली पिक्चर्स है वो पहुंचे और उन्हें पता चले कि जो बार बार आप ये कहते हैं कि हमने मेडिकल कॉलेजेस बना दिए, जिला अस्पताल बना दिए, उन जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजेस की क्या स्थिति है। कुछ दिन पहले वहाँ के बच्चे धरना दे रहे थे जिन्हें हम देश का भविष्य और आगे मेडिकल कॉलेजेस में एज ए डॉक्टर देखने वाले हैं, आज उनके पास ना शुद्ध पेयजल है, ना बिजली है, ना पानी है। हम मरीजों को क्या ठीक करेंगे मंत्री जी? हमारे तो डॉक्टर बीमार हो रहे हैं, कभी डेंगू, कभी मलेरिया और कभी जॉन्डिस से, ये स्थिति है। अध्यक्ष जी, इट इज रियली शेम फॉर द यूपी हेल्थ मिनिस्टर एंड द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ मिनिस्ट्री। और आज सेंट्रल में तीसरे टेनियर के बाद भी अगर मेडिकल कॉलेजेस की ये स्थिति है, डेफिनेटली अ शेम फॉर दिस सरकार कि आप इस तरीके की स्थिति ला करके रखी है आपने। अध्यक्ष जी, जवाब में इन्हें ये देना चाहिए था कि गंभीर बीमारियों के लिए जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं, चाहे वो पैलिएटिव मेडिसिन के डॉक्टर्स हों, चाहे आपके ऑन्को सर्जन्स हों, ऑन्कोलॉजिस्ट हों, गायनेकोलॉजिस्ट हो, न्यूरो एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स हों, चाहे आपके कार्डियो सर्जन्स हो, सीटीवीएस के सर्जन्स हो, आपने कितने डॉक्टर्स को बढ़ा, कितने डॉक्टर्स को आपने बढ़ाया? आज पेशेंट्स के अनुपात में आपके पास कितने आईसीयू के बेड्स हैं, कितने वेंटिलेटर्स हैं? अगर ये जवाब आता तो वाकई मुझे लगता कि आपके विभाग को कोई जानकारी है और सही में आप सरकार की और जनता के लोगों के लिए कुछ काम कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, मैं वापस से अपने प्रश्नों पे आऊंगी कि मंत्री जी, सिर्फ और सिर्फ आपसे दो प्रश्न हैं और उसके उत्तर गोल गोल ना घुमा करके सीधी तरीके से बस बता दीजिए कि आज उत्तर प्रदेश कैंसर जैसी बीमारी में देश में टॉप कर रहा है। ये प्रदेश आज इस समय वर्तमान में 2024 में हमारे पास कैंसर के 16 लाख मरीज हैं और हर वर्ष 2 लाख मरीज आपके बढ़ते चले जा रहे हैं। और इन गरीब मरीजों के पास ना तो पैसा है इलाज कराने के लिए और ना अस्पतालों में बेड। इन परिस्थितियों में अगर वो मरीज किसी प्राइवेट अस्पताल में जाता है, बड़ा बड़ा एस्टिमेट मिलता है। क्या सरकार कैंसर के सारे उत्तर प्रदेश के मरीजों को उनका जो एस्टिमेट जहां से भी बन करके आता है उसका एक मुफ्त में पैसा उपलब्ध कराएगी कि नहीं कराएगी? मेरा दूसरा सवाल है मंत्री जी कि आज जब आपने जवाब नहीं दिया कि आपके पास सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर्स कितने बढ़ गए हैं, पेशेंट्स के अनुपात में वेंटिलेटर और आईसीयूज कितने हैं, तो इन परिस्थितियों में जितने भी आपके प्राइवेट उत्तर प्रदेश के हॉस्पिटल्स रन कर रहे हैं जहां पे वेंटिलेटर्स और आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है, उनको पीपीपी मॉडल पे, सरकार तो पीपीपी मॉडल पे बहुत काम कर रही है, जगह जगह पर आप इसके बारे में एडवर्टीजमेंट करते रहते हैं, तो आईसीयू और वेंटिलेटर, क्योंकि ये ऐसे मरीज होते हैं, ब्रेन हैमरेज के मरीज होते हैं, इनके पास समय नहीं होता है। मंत्री जी, अगर एक्सीडेंट हो गया, आज बीपी बढ़ गया और ब्रेन हैमरेज हो गया तो तुरंत उसका ऑपरेशन होना है, लेकिन उनके पास पैसा नहीं होता ना वेंटिलेटर पे देने के लिए, ना उन वेंटिलेटर्स पे रहने के बाद। तो मैं आपसे ये अनुरोध करना चाहूंगी कि पीपीपी मॉडल पे जितने भी हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनको ऐड करते हुए हमारे मरीजों को मुफ्त में इलाज और समय पर इलाज दिलाने के लिए क्या सरकार काम करेगी? बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपका जो सवाल था, उत्तर प्रदेश सरकार
गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों की मृत्यु दर को घटाने के लिए क्या काम कर रही है। हमने इस संबंध में स्पष्ट जवाब दिया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के माध्यम से, टर्शरी केयर के हॉस्पिटल्स के माध्यम से लगातार उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था देने का काम किया है। जहाँ तक गंभीर मरीजों के धनाभाव का सवाल है, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की दुनिया की सबसे बड़ी योजना आयुष्मान भारत उत्तर प्रदेश में लागू है। और मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि पूरे भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश नंबर एक पर है आयुष्मान भारत कार्ड बनाने में। और हमने सरकारी अस्पतालों के साथ साथ प्राइवेट अस्पतालों को भी उसमें चिन्हित किया है, स्टेट किया है, वहां भी हम निःशुल्क इलाज दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है एम्बुलेंसेज के बारे में, हमारी 102 एम्बुलेंसें और 108 एम्बुलेंस लगातार काम कर रही है। 2200 एम्बुलेंस हमारे पास 108 की है, 2270 एम्बुलेंस हमारे पास 102 की है, और इनको हम लगातार मरीज को अस्पतालों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। डायलिसिस की चिंता हम आप माननीय सदस्य ने की, डायलिसिस के बारे में उत्तर प्रदेश में इससे पहले जिला स्तर पर डायलिसिस नहीं होते, बड़े शहरों में कानपुर, लखनऊ, मेरठ, बनारस जैसे बड़े शहरों में होते थे। डायलिसिस की सुविधा देने वाला राज्य 74 जनपदों में आप हर जिला मुख्यालय पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 10 बेड उपलब्ध है, जिससे डायलिसिस की सुविधा हम दे पा रहे हैं। 71 हमारे जिला चिकित्सालय है जहां हम सिटी स्कैन की सुविधा पहली बार दे पा रहे हैं, पहले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में सिटी स्कैन की सुविधा नहीं होती। इसके अलावा टीबी रोगियों के बारे में आपने चिंता ही नहीं की, टीबी रोगियों के बारे में पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार ने टीबी रोगियों को इतनी बड़ी संख्या में चिन्हित किया है, और चिन्हित करने के साथ साथ टीबी से मुक्ति दिलाने के लिए हम उनको गोद भी ले रहे हैं। हमारे सभी अधिकारी, हमारे माननीय विधायकगण, हमारे जनप्रतिनिधिगण, और उनको पोषण सामग्री भी उपलब्ध करा रहे हैं। टीबी की रोगियों की संख्या में हम तेजी के साथ कम करने के तहत तेजी के साथ आगे काम कर रहे हैं। इसके अलावा सभी जिला चिकित्सालयों में हमने क्रिटिकल केयर यूनिट बनाए हैं जो आज तक नहीं थे, जो 50 और 100 बेड के हैं, जहां पर हम सभी टर्शरी केयर की सुविधाएं उपलब्ध कराने जा रहे हैं। जहां तक स्पेसिफिक सवाल कैंसर से पीड़ित मरीजों के लिए है, हम आपको बताना चाहते हैं आयुष्मान भारत कार्ड के साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी की जो अपना निधि है और मुख्यमंत्री जी की जो व्यक्तिगत मुख्यमंत्री जी जारी करते हैं गंभीर मरीजों के लिए, ऐतिहासिक दृष्टि से पहली बार दोनों जगह मैं कह सकता हूं कि माननीय सदस्य बैठे विपक्ष के भी अगर सही बोलेंगे तो पहली बार मुख्यमंत्री सहायता कोष से पहली बार इतनी बड़ी संख्या में जो भी मरीज मांगता है, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है, कोई भी इसमें विभाजन नहीं है, जो भी मरीज मांगता है उसको आवश्यकता अनुसार धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। उसमें जाति, धर्म, संप्रदाय, दल को हम लोगों ने नहीं देखा है। आप लिस्ट उठा करके देखेंगे, बड़ी संख्या में मुख्यमंत्री सहायता कोष से हमने सहायता गंभीर रोगों से पीड़ित मरीजों को प्रदान की है जिन्होंने डिमांड किया है। और यह भी मैं बताना चाहता हूं, जहां तक एक सवाल प्रश्न में विस्तार से आपने बोला जौनपुर के मेडिकल कॉलेज के बारे में, वैसे तो माननीय अध्यक्ष जी हम किसी को नंगा नहीं करना चाहते, किसी को आईना दिखाना नहीं चाहते, लेकिन चूंकि माननीय सदस्य ने सवाल उठाया तो मैं स्पष्ट कर दूं, जौनपुर का मेडिकल कॉलेज समाजवादी पार्टी की सरकार में बनना शुरू हुआ। आप सुन लीजिए पूरी बात, सुन लीजिए अध्यक्ष जी, उत्तर जौनपुर का मेडिकल कॉलेज सुने, अरे बैठो ना तुम, अरे सुनो भैया विधायक जी, अरे बैठो प्लीज, मैं आप ही की बात कर रहा हूँ, आपकी मीटिंग में बनना शुरू हुआ, रुकिए अभी रुकिए ना, फीस नहीं, अरे उत्तर आ जाने दीजिए, सारे भैया पानी पी लो, मैं ऊंचा बोल रहा हूँ, मुझे रोक रहे, ऊंचा मत बोलो, आप भी मेरा सहयोग करो, चलो देख लूंगा वो अनुचित होगा तो अच्छा, अध्यक्ष जी जौनपुर का मेडिकल कॉलेज भाई साहब लोगों की सरकार में बनना शुरू हुआ, और उसमें टेंडर मिला टाटा कंपनी को, टाटा कंपनी के अधिकारियों को जबरदस्ती बलात् एक व्यक्ति को इन्होंने काम दिला दिया, और वो भगोड़ा साबित हुआ, भाग गया और काम की गुणवत्ता को पैसे लूट करके खा गया, उसकी जांच चल रही है। यही लोग बनाने वाले, यही लोग बनाने वाले, जब आप एक उंगली उठाते तो तीन उंगली तुम्हारी तरफ उठती है, भ्रष्टाचार की जननी रही है,
पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में स्वास्थ्य सेवाएं उच्च कोटि की हम लोग प्रदान कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या होता था अध्यक्ष जी, पहली बार मैं बता दूं, पहली बार चूंकि माननीय सदस्य स्वयं चिकित्सक है, माननीय सदस्य स्वयं चिकित्सक है, एक बार साहब सुनिए, आप जो चिकित्सक है समझ पाएंगे, जो जांच भी कराएंगे और जेल भी भेजेंगे, कोई बचेगा नहीं भ्रष्टाचारी। अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य स्वयं चिकित्सक है, पूरे भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि हम विशिष्ट श्रेणी के चिकित्सकों को 5 लाख रुपए तक रिवर्स बिडिंग से दे रहे हैं, आज तक इतिहास में नहीं हुआ है, पहली बार हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको इजाजत नहीं है, प्लीज बैठिए। तुफानी जी, तुफानी जी बैठिए, ठंडा पानी पियो। मिस्टर तुफानी आप बैठिए, आपको इजाजत नहीं है, नहीं किसी को कोई इजाजत नहीं, आपको भी नहीं है, उत्तर आ जाने, आप संतुष्ट हो या ना हो, आप नहीं तुफानी जी, जो कुछ भी तुफानी जी कह रहे हैं नहीं लिखा जाएगा, बैठिए तुफानी जी, नहीं है, आपको इस बात की इजाजत नहीं है, यू आर नॉट अलाउड टू स्पीक, जो कुछ इन्होंने बोला नहीं लिखा जाएगा, ऐसे नहीं है कि कोई भी बीच में खड़ा होकर बोलना शुरू कर देगा। डॉक्टर रागिनी बैठिए, जिनका प्रश्न है बस लास्ट प्रश्न वो पूछेंगे बस। अध्यक्ष महोदय, मैं दोषी मंत्री जी को नहीं ठहराऊंगी, क्योंकि डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल एजुकेशन एक समय था कि एक डॉक्टर को नियुक्त किया जाता था उस पद पे, क्योंकि आज अगर इस सरकार को लगता है कि गूगल खोल करके आप डॉक्टर बन जाएंगे और आपको इस विभाग के बारे में A to Z सब पता चल जाएगा, तो ये आपकी गलत फहमी है। डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल एजुकेशन जब तक एक डॉक्टर नहीं होगा तब तक उसे पता नहीं चलेगा कि आपके स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे ठीक होगी। और आज सिर्फ मरीजों का नहीं, डॉक्टरों का भी बहुत बुरा हाल है आपकी सरकार में। और ये प्रश्न पूछना चाहूंगी कि क्या सरकार DGME के पद को चेंज करके IAS ऑफिसर से हटा करके एक डॉक्टर जो उस विभाग के बारे में पूरी जानकारी रखता हो उसको वहां पे बिठाएगी या नहीं बिठाएगी? अध्यक्ष जी, सवाल तो ये स्वास्थ्य विभाग से इन्होंने लगाया है, सवाल इन्होंने चिकित्सा शिक्षा का पूछा है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार ने कैबिनेट से पास किया है और इसको हमने निर्णय लागू किया है, उसके अच्छे परिणाम आ रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है।